गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे से होगे, बहुत मस्त होगे। ये देखिए इवनिंग वाले फ्लावर कितने प्यारे खिले हुए हैं। सारे ये फ्री के प्लांट, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए मेरे रैन लिली से ये कीड़े भाग गए हैं तो मैं इधर ला के रख दी। इसमें एक पर्स भी बना है और यहाँ एक खिला भी है। गार्डनिंग में ये सब कुछ चलता रहता है फ्रेंड, ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। बारिश है, बारिश में कीड़े मकोड़ों का तो अटैक होता ही रहता है और होता ही है। जितना हो सके अपनी तरफ से हम स्प्रे, कीटनाशक, पेस्टिसाइड चाहे मार्केट से ला के करें या घर के बने ही, पर करते रहना चाहिए। ये चीज़ें करते रहना चाहिए। वो लोग अपना अटैक करना बंद नहीं करते, हम इनको भगाने का जो कार्यक्रम है उसमें हम लगे रहते हैं। बस ऐसे करते करते इनका टाइम ख़त्म हो जाता है और ये भाग भी जाते हैं। तो इस एरिया की मैंने सफाई कर ली है, आप देख सकते हो। अब मैं ये जो सीढ़ियों वाला पार्ट है, लोहे की सीढ़ी है, यहाँ पूरा फैला हुआ है मेरा गार्डन, पूरा बाजार लगा है, तो उसको समेटना बाकी है। और आज मैं ये मैक्सिकन हैदर का जो प्लांट है इसकी मेरी पॉटिंग कर देती हूँ। छोटू सा प्लांट है, अच्छा हेल्दी हो गया है। पहले नहीं कर रही थी क्योंकि अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था, मौसम अजीब सा चल रहा था। तो अब मैं इसको रेत और अच्छी तरीके से डीकम्पोस्ट काऊ डंक मिला के इसको अच्छे से रिपोर्ट कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतना सा काऊ डंक और अच्छी तरीके से डीकम्पोस्ट है और रेत, देखिए ये इसके लिए काफ़ी है। तो मैं इसको झट से कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने बहुत अच्छे से इसकी रिपोर्टिंग कर दी, कोई छेड़खानी नहीं किया इसके मेन स्टेम को। बस नीचे काऊ डंक, रेत और थोड़े सूखे कचरे मिला के ऊपर इसको रख दी सीधे सीधे एज इट इज़ और अच्छे से दबा दी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। ओके फ्रेंड, बाय।